A very good morning to you students, class 12th commerce. बेटा अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी. देखिए ये जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कस होगा उससे पहले सेकंड पॉइंट था फुल एम्प्लॉयमेंट जो डिस्कस किया गया. ये सब वो टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अंडर में आते हैं. लॉन्ग टर्म गोल के अंदर, लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर ही हम इन टॉपिक्स को जो है फुलफिल कर सकते हैं और उतनी अपने यहाँ की इकोनॉमी को ग्रोथविल कर सकते हैं, अपने यहाँ के कंट्री को डेवलप कर सकते हैं. तो जहाँ तक हमने अभी पढ़ा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी. यहाँ पर बात होती है, एक वर्ड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्वेश्चन राइज है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज़ का है. अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, एक्सपेंसेस का. तो यहाँ पर जो पर्सन जितना कमाता है उसके बजट के अकॉर्डिंग उतना एक्सपेंस भी करता है, ऐसे ही जो पर्सन कैपिटलिस्ट है वो जितना इन्वेस्ट करता है उसके हिसाब से ही रिटर्न लेना चाहता है अपनी इनकम का, अपने इन्वेस्टमेंट के बदले. तो यहाँ पर उसने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स मीनिंगलेस एक्सरसाइज, यानी कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो समझ लीजिए मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है. इफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ एक्योर टू ओनली ए हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, जब तक सोसाइटी के अंडर हैंड वो वर्किंग ना हो. क्या मतलब? अब यहाँ पर मतलब ये है कि अभी हमने पहले टॉपिक पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट, इट मींस कि वो पर्सन जो कि कैपेबल है वर्क करने के लिए और उनको वर्क मिलता है वो वर्क करते हैं एट द गिवन वेज रेट, जो वेज रेट उन्हें मार्केट में मिल रहा है उस पर. तो वहां पर क्या हुआ कि वहां फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन स्टार्ट हुई और वो इनकम जो है वर्किंग प्लेस पर जो वर्किंग करने का एक एम्यूलमेंट मिलता है, एक टाइम स्पेंड मिलता है वो हासिल कर रहे हैं. वो हासिल करने के सोसाइटी के अंदर अगर बहुत सारे पर्संस इन्वॉल्व हैं तो समझ लीजिए तब हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, इक्विटी की बात कर सकते हैं. लेकिन अगर कंट्री के अंदर अर्निंग पर्सन ज्यादा नहीं है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्किंग, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्या है, मीनिंगलेस है. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मीनिंगलेस है, इसलिए उसका सोसाइटी के अंदर एक पर्सन को यानी एम्प्लॉय को अगर बेनिफिट लेना है और उसके बेनिफिट से हमारी इकोनॉमी कल ग्रोथ होनी है तो उसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके करना चाहिए. उसने कहा है सम ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड केयरफुली, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे किए कि जिनके बेस पर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं या इक्विटी कह सकते हैं. अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे. पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. क्या मतलब कि अगर ग्रोथ का बेनिफिट चाहिए, यानी कि आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए, तो जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उन सब को एक साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर के सिटीजन्स की परसेंटेज या पॉपुलेशन की परसेंटेज जो जितनी है उसके जितने एडल्ट्स हैं उसमें से भी बहुत मिनिमम परसेंटेज में एम्प्लॉयड हैं और मैक्सिमम परसेंटेज में अनएम्प्लॉयड हैं, ऐसा नहीं होगा. ये तो अनइक्वल हो जाएगी, अनइक्विटी हो जाएगी, ये तो अनजस्टिस हो जाएगा. इसलिए हम उस चीज को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते. इसलिए पहले कहा गया कि बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि जितनी भी ग्रोथ होनी है उसका फायदा हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए. दूसरा जो ऑब्जर्वेशन किया है वह क्या है, सोशल इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. उन्होंने कहा है कि इनकम के बेस पर हम अपने सोशल स्टेटस को बनाते हैं, जिसकी जितनी इनकम है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना है, उसका सोशल स्टेटस भी उसी लेवल से ही आप ऑब्जर्व करते हैं. तो ये कहा गया है कि इनकम इतनी होनी चाहिए जिससे कि एक
अर्निंग पर्सन जो है वो अपनी अलाइफ को इजीली पास आउट कर सके, अपने यहाँ के फूडिंग को, लॉजिंग को, क्लॉथिंग को, अपने यहाँ के नीड्स को, जो स्पेशल नीड्स है उनको इजीली फुलफिल कर सके। इसलिए कहा गया है कि उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए और वो अपना एक सोशल स्टेटस भी उसी इनकम के बेस पर बना सके, जिससे कि लगे कि हाँ कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर अराइज है, ऑब्जर्वेशन क्या कहा गया कि ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन द सोसाइटी वेयर रिच टेंड्स टू बिकम रिचर एंड द पुअर कंटिन्यूज टू बी स्ट्रगल। ये आम तौर पर देखने के लिए मिला है। मैंने अभी जैसे आपसे दो मिनट पहले भी कहा था कि एक बिजनेसमैन है, एक कैपिटलिस्ट है, वो अपनी कैपिटल को इसी बेस पर इन्वेस्ट करता है कि उससे मुझे जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ROI मिलेगा, वो भी उसी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पर ही होगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए मुझे। यहाँ पर ये कहा गया है कि इकोनॉमी के अंदर ये देखने के लिए मिलता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। ऐसे ही जो जो आपके पुअर पीपल्स हैं वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल वर्किंग के अंदर कर रहे हैं, उसके हिसाब से उन्हें वेजेस, उसके हिसाब से उन्हें सैलरी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये काम चल रहा है कंटीन्यूअस वे के अंदर, समझिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कंट्री के अंदर, इक्विटी अराइज है। तो मैंने आपके सामने दो टॉपिक डिस्कस किए थे यहाँ पर, कि इससे पहला टॉपिक जो था वो फुल एम्प्लॉयमेंट का था और ये टॉपिक जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का है, और दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर पीरियड के अंदर ही फुलफिल हो सकती हैं, लॉन्ग पीरियड के अंदर ही सक्सेस हो सकती हैं। आप इनके अंदर कोई अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर ही सक्सेस हो सकता है, शॉर्ट टर्म के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता।